साने मॉडल टाउन केस में अहम मोड़, हाईकोर्ट ने साने मॉडल टाउन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत साबिक वज़रा को तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा को तलब न करने की दरख्वास्त मुस्तरद, अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म। अदालत ने अवामी तहरीक के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। सानहे मॉडल टाउन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत 12 शख्सियात को तलब न करने पर बेंच के सरबराह जस्टिस कासिम खान का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस कासिम खान ने इख्तलाफी नोट लिख दिया। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत 12 शख्सियात को तलब न करने का फैसला सुनाया। ताहिरुल कादरी का हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ताकतवर आज भी ताकतवर और इंसाफ कमजोर है। साने मॉडल टाउन के डिजाइन करने वाले तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा? मुलाजिम तलब किए गए, मालिकान नहीं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का अदालती फैसले पर रद्द अमल। आज के फैसले के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुलजिम तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस्तेगासा को भरपूर मौका फराहम किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सानहे मॉडल टाउन में शरीफ ब्रादरान को बरी किया था। हाई कोर्ट ने फैसले की तौसीक कर दी। वकील आजम नजीर तारर की गुफ्तगू। शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन अगले हफ्ते तक मुलतवी। इंतजामिया ने पहले आज से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। हाईकोर्ट की जानिब से कमेटी बनाई जाएगी जो तजावजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई पर अमल दरामद कराएगी। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की वजाहत। हाईकोर्ट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की समा। डिप्टी कमिश्नर और डीजी एलडीए अदालत में पेश। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 21वां इजलास यकम अक्टूबर को तलब। स्पीकर राव शहाबुद्दीन सदारत करेंगे। इजलास में मौजूदा बल्दियात निज़ाम का वक्त पूरा करने के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। यूनियन काउंसलर्स में 1 अरब से जायद मालियत की स्कीमों की भी मंजूरी का इम्कान। इजलास के एजेंडे की कॉपी लाहौर न्यूज पर। स्मोक का खतरा। महकमे माहौलियात का 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक भट्टे बंद रखने का ऐलान। ईंटे महंगी हो गई, तामीनाती मंसूबे ठप। दर्जा अव्वल की ईंट की फी 1000 कीमत 9000 रुपए, बारशी ईंट की कीमत 8700 रुपए और दोइम ईंट 6500 से 7000 रुपए में फरोख्त होने लगी। साफ पानी को महफूज ना किया तो आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। हाई कोर्ट में साफ पानी को महफूज करने से मुतालिक केस की समाअत। MD वास्ता जाहिद अजीज अदालत में पेश। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर के इदारे काशाना का दौरा। वज़ीर-ए-आला ने इदारा काशाना में बेसहारा अफराद के लिए सहूलतों का जायजा लिया। जस्टिस इनवारुल हक ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस सरदार शमीम ने हल्फ लिया। तकरीब में जस्टिस मामून रशीद, जस्टिस फरुख इरफान खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी समेत जजेस और वकला की शिरकत। हेलमेट पर पाबंदी, टैरिफ पुलिस की मुहिम जारी। तीसरे रोज भी शहरियों के चालान। गैर मयारी हेलमेट की फरोख के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद PTI के मुनीब सुल्तान चीमा ने जमा कराई। लाहौर चैंबर के इंतखाबी दंगल में प्या फाउंडर्स अलायंस की शानदार कामयाबी। कारपोरेट क्लास के बाद एसोसिएट क्लास ने भी जीत। कामयाबी पर ताजरों का जश्न। PCL में हिस्सा लिया, ना किसी को फिक्सिंग पर उकसाया। 10 साल पाबंदी की सजा देकर इम्तियाजी सलूक किया गया। स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस नासिर जमशेद ने 10 साल पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। लाहौर की
चार बहनों ने पाकिस्तान को चार चांद लगा दिए। एशियन गेम्स में चार बहनों की शानदार कामयाबी, दो गोल्ड मेडल्स, चार चांदी और दो कांस्य के मेडल्स अपने नाम किए। और फनपारों के जरिए मसाइल की निशानदही का फन, यूनिकॉर्न आर्ट गैलरी गुलबर्ग में मुसव्वरी और खताती की नुमाइश। आर्टिस्टों ने मुख्तलिफ मौजूआत को अपने फनपारों की जीनत बनाया। शहरियों की गहरी दिलचस्पी।